नमस्कार, मैं हूं हिमांशु बाजपेई और आप देख रहे हैं किस्सा गोई दी लल्लन टॉप पर। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो साहित्य रचना करते हैं, जो कविता लिखते हैं, जो शेर कहते हैं, जो शायरी करते हैं, उनमें से कुछ लोग बेसब्रे भी होते हैं। ये चाहते हैं कि जैसे ही ये कोई कविता लिखें फौरन ही उसे किसी न किसी को सुना दें, या कहीं वो रचना किसी पत्र पत्रिका में छप जाए, या कुछ नहीं तो ये खुद ही उस कविता को किसी अनजान आदमी तक के इनबॉक्स में भेजते रहते हैं। तो इसी से जुड़ा एक किस्सा ये है कि एक बार मशहूर संपादक रामानंद चटर्जी साहब, जिन्होंने विशाल भारत, मॉडर्न रिव्यू और प्रवासी जैसी मशहूर पत्रिकाओं का, अखबारों का संपादन किया, वो बनारस गए। रामानंद चटर्जी साहब उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने पत्रकारिता की ट्रेनिंग पर जोर दिया, इसीलिए वो भारतीय पत्रकारिता के आदि पुरुषों में माने जाते हैं। तो एक बार चटर्जी साहब पत्रकारिता पर बात करने के लिए बनारस गए, वहाँ गंगा स्नान करने के लिए गए थे। गंगा में नहाते हुए अचानक वो डूबने लगे। जब उन्हें डूबते हुए देखा तो एक लड़के ने फौरन उसी वक्त गंगा में छलांग मारी और रामानंद साहब को बचा लिया। जब दोनों लोग बाहर आए, रामानंद साहब कुछ ठीक हुए, तो उन्होंने उस लड़के को कुछ इनाम व इकराम देना चाहा, कुछ रुपए पैसे से उसकी मदद करनी चाहिए, तो उस लड़के ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद रामानंद साहब ने उस लड़के को अपना परिचय दिया, बताया कि एक बंगाली की मासिक पत्रिका है, बहुत मशहूर है, प्रवासी, मैं उसका संपादक हूँ, कलकत्ता में रहता हूँ, तो तुम्हें कोई ज़रूरत हो, कोई मदद चाहिए हो तो मेरे पास कलकत्ता ज़रूर आना, मुझे तुम्हारी मदद करके खुशी होगी। इसके बाद रामानंद साहब कलकत्ता चले आए। इस घटना को कुछ दिन बीते तो वो लड़का एक दिन कलकत्ता आया रामानंद साहब से मिलने के लिए। जब रामानंद साहब ने उसे देखा तो वो बहुत खुश हुए, फौरन उसे अपने साथ लेकर के गए, उसका बड़ा स्वागत सत्कार किया, उसे नाश्ता कराया, खाना खिलाया और उसके बाद उससे पूछा कि तुम्हारे यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। इस पर उस लड़के ने अपनी कुछ कविताएं रामानंद साहब को दी और कहा कि वो चाहता है कि ये कविताएं उसकी प्रवासी में छप जाएं। रामानंद साहब ने एक नज़र उन कविताओं को पढ़ा और फिर उस लड़के के कंधे पर हाथ रख के कहा कि मैं तुम्हारी ये कविताएं प्रवासी में नहीं छाप सकता, तुम अगर चाहो तो अपने उस उपकार के बदले मुझे दोबारा गंगा में फेंक सकते हो। वो लड़का भी हंस दिया और इसके बाद रामानंद साहब ने उससे कहा कि रचना अपनी गुणवत्ता से ही, अपनी गहराई से ही जिंदा रहती है, अतः लिखने वाले को अपनी उस रचना पर सबसे पहले खुद यकीन होना चाहिए और उसकी कदर भी सबसे पहले खुद ही उसको करनी चाहिए। तो ये सबक उन सारे लिखने पढ़ने वाले, ख़ास तौर पर नए लोगों के लिए, कि अपनी रचना का पहला मूल्यांकन वो खुद करें, उसकी गरिमा समझें, उसकी कदर करें। शुक्रिया।